नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ, जन्माष्टमी स्पेशल धनिया की पंजीरी। उसके लिए हमने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया ले लिया है। आप इसको साबुत भी ले सकते हैं खड़े, और पिसी हुई चीनी ले लिया है, और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। तो हमने यहाँ पे नारियल कद्दूकस कर लिया है, और मेवे सारे अपने काट लिए हैं, और यहाँ पे हमने घी ले लिया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस पे अपनी कढ़ाई रख दी है। अब हम कढ़ाई में डालते हैं घी। घी में हम अपने डालते हैं मखाने। इसको हम क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। धीमी आंच पे इसको हम क्रिस्पी होने तक भून लेते हैं। मेरे मखाने भून गए हैं। इसको भूनने में हमें 1 से 1.5 मिनट लगे हुए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसमें नारियल डालते हैं। इसको भी हम हल्का सा भून लेते हैं। इसको आप लगातार चलाते रहें, ये बहुत जल्दी लगता है, तो इसको आप लगातार चलाते हुए भूनें। मेरा नारियल भून गया है, हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसमें से अच्छी से स्मेल भी आ रही है। इसको 1.5 मिनट लगा हुआ है भूनने में। इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें अपने बादाम और काजू डाल देते हैं। इसको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। इसको भी हम धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे थोड़ा सा। इसको भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, इसमें हमें 1 मिनट लगा हुआ है। इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम डालते हैं कढ़ाई में घी। आप घी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ घी ले लिया है। अब हम घी में डालेंगे धनिया। धनिए को हम अच्छा खुशबू आने तक भूनेंगे। इसको हम धीमी आंच पे चलाते हुए, लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इस धनिए की पंजीरी को हम जन्माष्टमी पे तो बनाते ही हैं, लेकिन इसको हम ऐसे भी बना के स्टोर करके रख सकते हैं। ये काफ़ी फायदेमंद होता है, तो इसको हम ऐसे भी बना के खा सकते हैं। ये काफ़ी खाने में भी टेस्टी होता है। मेरे धनिया में से अच्छी सी खुशबू आ रही है, और यह हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो मेरा धनिया भून चुका है। इसको हमें भूनने में 2 मिनट लग चुके हैं। अब हम गैस ऑफ करते हैं, और इसको भी हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। हमने धनिया को निकाल लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, क्योंकि अगर हम गरम पे चीनी मिक्स करते हैं तो वो चीनी अपना पानी रिलीज करने लगती है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। मेरा धनिया ठंडा हो गया है। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, जो हमने फ्राई कर लिए थे। और इसमें हम पिसी हुई चीनी डाल देते हैं। आप चीनी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है, और मेरी धनिया की पंजीरी बनके बिल्कुल तैयार है।
आप इस जन्माष्टमी पे धनिया की पंजीरी ऐसे जरूर बनाएं। आप जब लड्डू गोपाल को चढ़ा रहे हो तो इसमें थोड़े तुलसी के पत्ते डाल दें, क्योंकि लड्डू गोपाल को तुलसी बहुत ही पसंद है। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये धनिया की पंजीरी आप लोग को कैसी लगी। सो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।